पश्चिम बंगाल में कथित राशन वितरण घोटाले के मामले में बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आध्या को शनिवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले गुरुवार यानी 4 जनवरी की रात को ईडी के अधिकारियों पर उत्तरी 24 परगना जिले में उस समय हमला हुआ जब वो मामले में शंकर आध्या और तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के घरों पर छापेमारी करने जा रहे थे। आपको बता दें, एक वीडियो सामने आया है जिसमें ईडी के अधिकारी शंकर आध्या को कथित तौर पर एक वाहन में ले जाते हुए दिख रहे हैं। गिरफ्तारी के वक्त मौके पर भारी भीड़ भी देखी गई। आपको बता दें, शुक्रवार रात को ईडी की एक टीम ने आध्या के ससुर के आवास पर छापा मारा था। इसी के साथ आपको बताते चले, रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में शुक्रवार को छापेमारी के दौरान एक भीड़ के हमले में इसके अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं और मोबाइल फोन बटुआ जैसी उनकी चीजों को लूट लिया गया। शुक्रवार देर शाम जारी एक आधिकारिक बयान में संघीय एजेंसी ने कहा कि इसने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस में एक शिकायत दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि ईडी के अधिकारी पश्चिम बंगाल में एक टीएमसी नेता के आवास पर छापे के दौरान भीड़ की ओर से उनके सहयोगियों पर किए गए हमलों पर रिपोर्ट के 2 सेट तैयार कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट शनिवार तक ईडी के नई दिल्ली कार्यालय को भेज दी जाएगी और उनकी अगली कार्रवाई का फैसला वहां उनके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। इसी के साथ आपको बताते चले, ईडी की टीम पर उस वक्त हमला किया गया जब वो राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना स्थित संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता शेख शाहजहां के आवास पर तलाशी लेने गई थी। देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है, वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंगा मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है, ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगाल का बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर सरकार, ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। इस बीच आपको बताते चले कि ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बीजेपी के पश्चिम बंगाल यूनिट के प्रमुख सुकांता मजुमदार ने कहा था कि ये घटना दिखाती है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी के खिलाफ शिकायत और भ्रष्टाचार का आरोप है। स्वाभाविक है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्रवाई करेगा। ये हमला दिखाता है कि रोहिंग्या राज्य में कानून व्यवस्था के साथ क्या कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।